रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपाल सिंह आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इटावा से टूंडला तक रोड शो करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इटावा से टूंडला तक रोड शो करेंगे। शिवपाल सिंह यादव के साथ उनके बेटे आदित्य यादव भी मौजूद रहेंगे। इटावा से टूंडला तक स्वागत समारोह का कार्यक्रम रहेगा। रोड शो में हजारों गाड़ियों के आने की संभावना जताई जा रही है। और हमारे साथ अरविंद विद्रोही समाजवादी पार्टी सेक्युलर मोर्चे से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी धन्यवाद, गुड मॉर्निंग जी। अरविंद जी, क्या कुछ होना है आज? आज इटावा से समाजवादी जननायक शिवपाल जी का काफिला फिरोजाबाद जा रहा है जी, और जगह जगह लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली, करीब 1500 चार पहिया वाहन और हजारों मोटरसाइकिल सवार जो है नवयुवक काफिले में चल रहे हैं, और ग्रामीण जनता का, शहरी नौजवानों का स्नेह शिवपाल जी को संघर्ष के रास्ते पर मिल रहा है। जी अरविंद जी, शक्ति प्रदर्शन है, कितनी शक्ति दिखाई जाएगी? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, जनजुड़ाव है जी। शक्ति प्रदर्शन नहीं, जनजुड़ाव है। हमारा नेता अपने घर से अकेले दो गाड़ियों से निकलता है, रास्ते में लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं जी। किस तरीके से आप लोगों से जुड़ेंगे? लोगों से हम गांव-गांव जाके मिल रहे हैं। आज हमारा नेता इटावा से फिरोजाबाद जा रहा है, मैं इस समय बाराबंकी में हूँ, और लोगों से मिलने के लिए हम लोग निकले हैं। यहाँ पर भी तो जगह जगह हम लोग मिल रहे हैं और जनता जुड़ रही है शिवपाल जी के नेतृत्व में संघर्ष के रास्ते पर जी। यानी कि आप मानते हैं कि अभी पार्टी के अंदर संघर्ष की स्थिति है? जी जी, संघर्ष है जनता के हित के लिए, भाजपा की निकम्मी और जन विरोधी सरकार से लड़ने का संघर्ष हम लोग खड़ा कर रहे हैं जनता को साथ लेके जी। अरविंद जी, ये जो संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, क्या ये संघर्ष वो है जो समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं वो कोई संघर्ष नहीं। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया, 224-247 आ गए। हमारी लड़ाई जनता के हित के संघर्ष की है, भाजपा की जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के पता है, संघर्ष के रास्ते पर हम ही चल रहे हैं शिवपाल जी के नेतृत्व। लेकिन अरविंद जी, वहीं से निकल के आए ना आप? जी जी बिल्कुल, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर लोहिया ने कहा भी था कि सुधरो या टूटो, जब अखिलेश यादव नहीं सुन रहे तो हम टूट करके नए रास्ते पर चल दिए। नए रास्ते पर अरविंद जी आप तब कहते जब आप सामाजिक कारणों से आप अलग रास्ता चुनते, लेकिन ये आंतरिक कलह की वजह से अलग रास्ता चुना है आपने? नहीं, कोई आंतरिक कलह नहीं, ये राजनीतिक संघर्ष, जनता के हित के लिए संघर्ष। 1.5 साल में मोदी और योगी के सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन सड़क पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव ने नहीं किया, इसलिए हम लोगों को जनता के हित के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा, हम उतरे हुए हैं जी। अरविंद जी, यानी कि क्या कह रहे हैं आप, किस वजह से समाजवादी सेक्युलर मोर्चा जो गठित किया गया है, तो वो जाहिर से तौर पर जो आंतरिक कलह है उसकी वजह से गठित किया गया है, इसमें समाज की वजह से आपने कहां गठित किया है? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। और समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के ही सीपी राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सीपी राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। धन्यवाद जी। सीपी राय जी, आपसे भी पहला सवाल मेरा, शक्ति प्रदर्शन है, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो जनता के बीच में अभियान होता है। कहां पास है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनका काम होता है सड़क पर रहे, जनता के बीच में रहे, और शिवपाल जी वही काम कर रहे हैं। सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, इटावा हो, फैजाबाद हो, बाराबंकी हो, आजमगढ़ और गोरखपुर हो, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के या तो सभाएं कर रहे हैं, या अब ये इस तरह से जो आज उनका प्रदर्शन है फिरोजाबाद के पूरे जिले में, ये जनता को जगाने के लिए है। शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, जनता उनके पीछे पीछे साथ साथ है, ये उसका प्रदर्शन है जी। सीपी राय जी, किस मुद्दे पर जगा रहे हैं जनता को? इस सरकार के खिलाफ जगा रहे हैं कि सरकार को हटाना है, उसके लिए माहौल बना रहे हैं। किस तरीके का माहौल? सरकार को हटाने के लिए जनता को जागृत किया जाता है, माहौल उसी के लिए बनाया जाता है। तो सीपी राय जी, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे? हर चीज के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आपके अपने टूल्स होते हैं वैसे पॉलिटिक्स के टूल्स होते हैं, पर चर्चाएं, गोष्ठियां, आपके माध्यम से बात करना,
सभाएं करना, रोड शो करना, जनता के बीच में जाने के सब तरीके हैं, और इन्हीं तरीकों से वहां अपनी बात भी की जाती है और जनता को जगाया जाता है कि तैयार हो जाओ, अब समय आने वाला इस सरकार को उलट दो जिस सरकार ने द्वारा कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक है सीपी राय जी, आप जनता को जगाने जा रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या कुछ बाकी की पार्टियों से अलग करेगी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा? समाजवादी सेक्युलर मोर्चा जो भी वादे करेगी सारे वादे पूरे करेगी, और बाकी पार्टियां चुपचाप बैठी हुई हैं, अपने अपने घरों में बैठी हुई, जबकि सत्ता पार्टी निरंकुश हो गई है। दिल्ली की सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार तक निरंतर साबित हुई है, अभी तक जनता से किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया, दोनों सरकारें पूरी तरह फेल हो गई हैं। इसलिए हम एक विकल्प देने का काम कर रहे हैं, विकल्प बन करके खड़े होंगे, और वो किसान हो, नौजवान हो, जिनके लिए जो भी वादा। सर, आपको क्या लगता है क्या ये विकल्प पसंद आएगा जनता को? क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले नहीं आई, सत्ता से चली गई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी से ही निकल कर आप आए हैं, क्या ये विकल्प लोगों को पसंद आएगा? देखिए आपके सामने उदाहरण है, कांग्रेस पार्टी से निकली थी ममता बनर्जी जी, और वो वहां पर बंगाल में विकल्प बन गई, कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत कमजोरों के बहुत पीछे हो गई। कांग्रेस पार्टी से निकले थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और वो कश्मीर में विकल्प बन गए। एक नई बिल्कुल छोटी पार्टी बनी आप, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बड़ी तरह सहारा करके वो सत्ता में दिल्ली में बैठ गई। ये नई चीजें नहीं है, अगर संकल्प शक्ति है और जनता हमारी चीजों से आकर्षित होती है तो जनता फैसला करेगी, ये निर्णय तो जनता को लेना, हमारा काम जनता के बीच जाके अपनी बात। वहां स्थिति अलग है, वहां स्थिति अलग थी, ममता बनर्जी की पार्टी है, वहां आंतरिक कलह नहीं थी, परिवारवाद नहीं था वहां पर, यहाँ पर पारिवारिक की वजह से अलग हुई है पार्टी। परिवारवाद का सवाल नहीं है, जब पार्टी के भीतर विचारों का मेल नहीं होता तो पार्टियां अलग होती है। ममता बनर्जी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थी, कांग्रेस पार्टी के नेता थी, केंद्रीय मंत्री रही, लेकिन विचारों का मेल नहीं हुआ तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार किया, संघर्ष किया, और उसके संघर्ष का साथ जनता ने दिया और जनता उनको वहां पर सत्ता में बैठा दिया। हम लोगों के भी विचारों में मतभेद था, उन मतभेदों को लंबे समय तक चलते रहे और अंत में हमने निर्णय लिया कि एक नया रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि लोहिया के रास्ते से समाजवादी पार्टी भटक गई है, राजनायक के रास्ते से भटक गई है, लोहिया जेपी राजनायक इनके रास्ते पर चलने के लिए हमने पार्टी का गठन किया है और अब हम इसीलिए सड़क पर है। सीपी राय जी, किस तरीके से भटक गई है उसमें, उसके विस्तार में मैं नहीं जानना चाहता, मैं दूसरी पार्टी की बुराई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, हम बिल्कुल, क्योंकि आप भी उस समय उसी पार्टी का हिस्सा थे। जी बिल्कुल थे, और हमारे विवाद थे, बहुत सारे मुद्दों पर हमारे विवाद थे, और समय समय पर जो लोग मुझे जानते हैं, कम से कम मैं जब बात आपसे कर रहा हूँ, समय समय पर मैं अपने विवाद के विचार व्यक्त करता रहा सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी माध्यमों से, जिन चीजों पर हमारे एतराज थे हमने जाहिर किए और अंत में एक निर्णय लिया हमने, और हम एक विकल्प बन के दिखलाएंगे, केवल जनवरी तक का हमको टाइम दे दीजिए, 3 महीने बाद हम उत्तर प्रदेश में विकल्प नजर आएंगे। सर, इतनी सालों पुरानी पार्टी है, उनको जनता ने नहीं इस समय अलग कर दिया, दूसरी पार्टी को विकल्प के रूप में चुना, अब आपको क्या लगता है कि अभी आपने गठित किया और आपको जनवरी तक का समय देने के बाद जनता आपको स्वीकार कर लेगी? बिल्कुल, हमारा विश्वास है, हमें आत्मविश्वास है कि जनवरी तक हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि हम विकल्प बन जाएंगे तो जनता हमसे आकर्षित होगी और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। जी सर, आप जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? ये शब्द कहना उचित नहीं, आप एंकर है, पढ़ी लिखी है, आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। सर, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, आपने अभी पार्टी का गठन किया, आप कह रहे हैं कि जनवरी तक हम नए विकल्प के रूप में उभर कर आएंगे, क्या कुछ नया करेंगे? जनता बहुत समझदार है जी, जनता ने इसी देश में इंदिरा गांधी को बंगाल से लेके कश्मीर तक शून्य पर पहुंचा दिया और सिर्फ 1.5-2 साल बाद उसी जनता ने इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से फिर वापस ला के सत्ता बैठा दिया। इस देश की जनता हमेशा फैसले करती है और लोकतंत्र में प्रयोग होते हैं। अगर आप राजनीतिक भाषाशास्त्र की भाषा में समझें तो लोकतंत्र में किसी देश की उम्र के लोकतंत्र की उम्र अगर 50-60 साल है तो वो 50-60 सेकंड के बराबर होती है और वो उसके ट्रांजिशनल फेज चलते हैं जिसमें इस तरह के प्रयोग होते हैं। जनता प्रयोगों को करती है, उनसे सीखती है, सबक लेती है, फिर नए निर्णय करती है। उसी के नाते हम विश्वास है कि हम जो नया प्रोग्राम लेकर के अपना आएंगे, हम जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब होंगे कि हम जो कहेंगे हम वही करेंगे। जी सीपी राय जी, क्या कहेंगे आप, मतलब किन मुद्दों पर जनता के आप सेवा करने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे? देखिए फिर तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, मुझे अकेले स्टूडियो में बुलाइए, फिर आपसे एक घंटे तक भी बात करता हूँ, तमाम इश्यूज है उसके बारे में, किसान का सवाल है, गन्ने का सवाल है, नौजवान के, जी सर, नौजवान के रोजगार का सवाल है, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, काफी लंबा हो जाएगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सीपी राय जी, समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनसे हम बात कर रहे थे उनके किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन वो करेंगे ये उनसे जानने की कोशिश की गई। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनवरी तक का समय उन्होंने मांगा, लेकिन क्या जनता उनको अलग विकल्प के तौर पर स्वीकार करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त